बहुत बहुत धन्यवाद कि अति महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठाने का मुझे मौका दिया। आए दिन हम कई दिनों से देख रहे हैं कि पत्र पत्रिकाओं में आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर की चर्चा की जा रही है। माननीय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जनजाति और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षित बेरोजगारों में बहुत बड़ा असंतोष है, जिसका प्रमुख कारण है कि सरकार और हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न पदों में रिक्तियों को भर्ती नहीं है। आज भी जो हमारा आरक्षण का अधिकार केंद्र में 7.5% है, उस अधिकार में केवल 4.5% ही पद भरे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे इस बात को स्वीकार करें? कांग्रेस सरकारों ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अभी से चालू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति की क्रीमी लेयर को खत्म करेगी और उसके कारण इन जातियों में बड़ा भारी असंतोष है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा भाग ये अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों से है। दिल्ली में भी अनुसूचित जाति बहुत भारी संख्या में है। ऐसी परिस्थिति में सबके मन में ये भ्रम है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार कोर्ट के माध्यम से या किसी अन्य प्रयास के माध्यम से क्रीमी लेयर की छटनी कर इनमें असंतोष पैदा कर दे। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज एक मिनट, मैं आपके माध्यम से ये दुष्प्रचार को दिखाना चाहती हूँ और साथ ही ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं खुद अनुसूचित जनजाति से हूँ। कभी ना स्कूल ना कॉलेज पढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की संगत के कारण हम कुछ सुधार पे आए हैं। ऐसी परिस्थिति में अब यदि ये हथौड़ा चलता है तो निस्संदेह मैं बार बार समझाती भी हूँ, अपने क्षेत्र को भी समझाया है, साथियों को भी समझाया है, कर्मचारियों को भी समझाया है और ये कहा है कि विचारधारा से जुड़ी हुई हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी भी अहित नहीं करेगी। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस का ये षड्यंत्र कहीं हमारे बीच श्रीमती शताब्दी राय